महा कवरेज का तीसरा दिन, सर्वे का तीसरा दिन, ज्ञानवापी परिसर में पूरी टीम मौजूद है। और कहां तक सर्वे पहुंचा है, किस तरीके से सर्वे चल रहा है, और आज सर्वे का आखिरी दिन है, और क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं, ये तमाम सवाल एबीपी गंगा के साथ बने रहने पर स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे तीन धुरंधर रिपोर्टर लगातार इनसाइड अपडेट यानी भीतर चल रही सर्वे की सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बाहर किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था है, ये आप तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अब तक की जो अपडेट रही जरा वो भी देखिए। देखिए, सुबह मस्जिद की गुंबद से सर्वे की शुरुआत हुई है, 8:45 पर गुंबद पर सर्वे का काम खत्म हुआ है। उसके बाद उत्तरी हिस्से में गुंबद की वीडियोग्राफी कराई गई है और ऊपरी गुंबद पर लकीर खींची हुई थी, जिसके बाद पूरे नए सिरे से ये वीडियोग्राफी की कवायद शुरू हुई है। अब पश्चिमी हिस्से की वीडियोग्राफी होनी है। पश्चिम की दीवार के पास व्यास जी के कमरे का सर्वे जारी है और पश्चिमी हिस्से की दीवार का ही सर्वे अभी तक हुआ नहीं था। इसके बाद वजू खाने के पास जो जमीन है वहां पर भी सर्वे होना है और आज पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वे का ये काम खत्म हो जाएगा। चलिए अब तस्वीरों के लिए रुक करते हैं। हमारे तीन सहयोगी लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, तीसरे दिन भी नीतीश, वीरेश और मोइन जहां पर रुक करेंगे। वीरेश और मोइन का, इनके पास सर्वे को लेकर भीतर से क्या जानकारी आ रही है, क्या अपडेट है? जी वीरेश, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस सर्वे को लेकर यह है कि जो वादी पक्ष है सर्वे से बहुत संतुष्ट नहीं है और आज जो है वो प्रारंभिक जो पूरी सर्वे की रिपोर्ट है वो बना ली जाएगी। प्रारंभिक इस लिहाज से कह रहे हैं कि ये जो तीन दिन है, तीन दिन के बाद तीन दिन और की मांग होगी। जी हाँ, तीन दिन और की मांग कल कोर्ट में की जाएगी, क्योंकि जो वादी पक्ष है इस सर्वे से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। पश्चिमी जो दीवार है उसके नीचे का जो सबसे बड़ा कमरा है, व्यास जी का कमरा, उसमें जो है जो चीज़ें मिल रही हैं, जो कलश आकृतियां, स्वास्तिक चिन्ह, संगमरमर की मूर्तियां, मगरमच्छ की मूर्तियां और बाकी हिंदू आकृतियां जो मिल रही हैं, उसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, वादी और प्रतिवादी, मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से अभी एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ कि सर्वे बाधित हुआ है। इस वजह से 10:30 जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि आज 10:30 सर्वे का काम खत्म होगा, सर्वे का काम 10:30 खत्म नहीं हो पाएगा। हर रोज की तरह यानी परसों और कल की तरह आज भी 11:30 के लगभग सर्वे का काम खत्म होगा, क्योंकि सर्वे का काम रुक गया है। मोइन, इस विवाद को कैसे समाप्त किया जा पाएगा? देखिए, आपकी जानकारी बिल्कुल पुख्ता है जो आप जानकारी दे रहे हैं कि सर्वे बाधित हुआ है, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कहता हूं कि सर्वे बाधित ही हुआ है। जो सर्वे टीम थी वो तालाब के पास से हटकर जो बरामदा है वहां पहुंच चुकी है। वहां जो दरी बिछी हुई थी, कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो किसी बात को लेकर विवाद हुआ है जिसकी वजह से सर्वे रोक दिया गया है, या ये भी एक संभावना है कि जो तालाब का सर्वे चल रहा था सर्वे का काम पूरा हो गया है और उसी जगह पर बैठकर डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, नोटिंग की जाएगी, उसके बाद सभी पक्षों के दस्तखत लेकर के सर्वे की कार्रवाई को पूरा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा अहम सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि जो वादी पक्ष है वो इस सर्वे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, उसका कहना है कि जो पश्चिमी दीवार है, दीवार के पीछे जो मलबा है, अवशेष नुमा जगह है, खंडहर है, जहां नीचे व्यास जी का कमरा है, उस कमरे का भी सर्वे होना चाहिए। आप एक अहम जानकारी दे रहे थे कि व्यास जी के कमरे के ठीक पीछे की जो जगह थी वहाँ पर कई मूर्तियाँ मिली थी, शेषनाग की प्रतिमा मिली थी, कई पत्थर मिले थे, और जिनको ले करके जो हिंदू पक्ष था खासा उत्साहित था, तो जब उनके कमरे के पीछे के हिस्से से ये चीजें मिली हैं, तो यही वजह है कि जो हिंदू पक्ष है वो चाहता है कि व्यास जी के कमरे में भी सर्वे हो, वहां भी पड़ताल की जाए, और उसे पूरी उम्मीद है कि उस कमरे से कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत महत्वपूर्ण क्लू मिल सकता है। तो दो संभावनाएं इस बारे में हो सकती हैं कि जो वादी पक्ष है, जो लक्ष्मी देवी के पति ने कह भी दिया है कि वो इस मांग को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करेंगे, और दूसरी एक संभावना यह है कि कोर्ट कमिश्नर सीधे तौर पर उनकी बात को मान लें, कल प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट सबमिट कर दे और कोर्ट से जी
कोर्ट से एक और अपील कर सकते हैं कि सर्वे जो है 3 दिन में हमने इतना काम किया, उस महत्वपूर्ण जगह पर भी हमें पड़ताल करनी है, उसमें वक्त लग सकता है, इसलिए कुछ और वक्त दिया जाए। लेकिन आप दावे के साथ कह रहे हैं कि 3 दिन का वक्त मांगा जा सकता है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से, तो ये एक बहुत अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं दर्शकों। सोर्सेस से खबर आ रही है जो वादी पक्ष है, जो याचिकाकर्ता हैं, वो बहुत संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं इस सर्वे से। और 3 दिन में जो सर्वे हुआ है, यानी 2 दिन कल पूरा हुआ और आज जो 3रा दिन है, उस सर्वे के लिहाज से वो बहुत संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कल 17 तारीख है, रिपोर्ट सौंपनी है, उस रिपोर्ट में गुहार लगाई जा सकती है कोर्ट से कि 3 दिन का वक्त हमें और चाहिए, 3 दिन का, जी हाँ 3 दिन का वक्त हमें और चाहिए। कोर्ट ये कह सकता है कि आपको 1 दिन का वक्त दिया जाता है, 2 दिन का वक्त दिया जाता है, या कोर्ट सहमति व्यक्त कर सकता है कि 3 दिन और ले लीजिए, पूरी तरीके से मामला स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, पक्ष विपक्ष को संतुष्ट हो जाना चाहिए, धार्मिक आस्था का सवाल है, धार्मिक जो मर्यादा है उसका ख्याल है। इसलिए ये जो पेचीदगी है उसे बहुत जल्दबाजी में निपटाने का काम कोर्ट नहीं करेगा, सर्वेयर नहीं करेंगे, अजय मिश्रा नहीं करेंगे, यहाँ का प्रशासन नहीं करेगा कि कहीं किसी के मन में शको सुभा रह जाए, कि कोई असंतुष्ट रह जाए, कोई कहे कि उस इलाके का तो हुआ नहीं, ब्यास जी के कमरे में ढंग से हुआ नहीं, उस दरवाजे का नहीं हुआ, वो दीवार नहीं हुई, वो दर नहीं हुई। तो ऐसे में जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हम हर पक्ष को संतुष्ट करना चाहते हैं, तब जाकर सर्वे की पूरी रिपोर्ट रखना चाहते हैं। देखिए वीरेश जी, मुझे जो लगता है कि ये पूरा का पूरा सर्वे एक बार फिर से कानूनी पेचीदगियों में फंस सकता है, वो मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि चूंकि जो वादी पक्ष है वो कह रहा है कि मलबा हटाइए, स्ट्रक्चर हटाइए, नीचे का कमरा खुलवाइए, लेकिन इसी तरीके का आदेश वाराणसी के सिविल जज ने पिछले साल 8 अप्रैल को दिया था, जिसमें ASI से सर्वे कराए जाने की बात थी, खुदाई के जरिए सच्चाई का पता लगाए जाने की का आदेश दिया गया था, लेकिन उस आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस तरीके की रोक लगाई थी, फिर से एक बार उस जजमेंट को पढ़ना होगा और उसके जो फैक्ट्स हैं, जो एक एक लाइन दी हुई है, उसको पढ़कर समझना होगा कि किस आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बाद भी जो वाराणसी की अदालत है वो मलबे को हटाए जाने का आदेश दे सकती है, या उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था पिछले साल दिया गया था वो लागू रहेगा? और अदालत कोर्ट की बात कर रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज आपने सवेरे सवेरे खबर डाली थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला जा सकता है, क्या हो सकता है। देखिए ये टेक्निकल मामला है, कानून पेचीदगियाँ जो आम दर्शक हैं जो गंगा को देख रहे हैं वो इन पेचीदगियों को नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन वो ये जानना ज़रूर चाहते हैं कि बातें स्पष्ट हों। तो सामान्य शब्दों में दर्शकों को समझाने के लिए इन पेचीदगियों को कैसे स्पष्ट करें? देखिए, अगर सामान्य भाषा में, हमें सामान्य शैली में, आम शब्दों में का इस्तेमाल, बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए हम समझाएं, तो पहले चरण का सर्वे आज पूरा हो जाएगा, अब से कुछ देर के बाद सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन जो सर्वे वादी पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, वो इतने भर के सर्वे से संतुष्ट नहीं है। उसका साफ तौर पर कहना है कि पीछे के हिस्से में जो मलबा है, मलबा हटा करके मलबे के नीचे की जो जगह है, जो कमरे हैं, वहाँ भी सर्वे होना चाहिए, इस बात को लेकर याचिका दाखिल की जाएगी। यानी इतने सर्वे भर से काम नहीं चला है, इस पर विवाद खड़ा हो गया है और सर्वे आगे बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। अब इस मांग को अदालत कितना मानती है, कोर्ट कमिश्नर कितना मानते हैं, क्या कोर्ट कमिश्नर ये मान लेंगे कि ये सर्वे यहीं खत्म कर देना चाहिए, या वो प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत में दाखिल करके खुद अपनी तरफ से संस्तुति कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि कुछ और दिन दिया जाए ताकि वहां से मलबा हटाया जाए और व्यास जी के कमरे का भी सर्वे किया जाए, क्योंकि व्यास जी के कमरे के पीछे की जगह जो है वहां आप जानकारी दे रहे हैं कि वहां से कई महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो सामने मिले हैं, कई सामान मिले हुए हैं जो एक बड़ा आधार बन सकते हैं। देखिए कुल मिलाकर मामला फंसता भी जा रहा है और इसको लेकर असंतोष का भाव भी है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सर्वे के लिए समय और मांगा जा सकता है कोर्ट से और इसे और बढ़ाया भी जा सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए अब ये सर्वे को लेकर के जो बड़ी जानकारी है ये आपके सामने रख रहे हैं ब्यूरो चीफ और मोहम्मद मोइन, लगातार आपको इनसाइड अपडेट दे रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में सर्वे पूरा हो सकता है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सर्वे से वादी पक्ष
संतुष्ट नहीं है, आगे बढ़ाने की मांग कर सकता है हिंदू पक्ष। ये बड़ी जानकारी आ रही है इस पूरे मामले पर। अब कुल मिलाकर के मलबे के नीचे वाली जगह सर्वे को लेकर के मांग तेज हो सकती है वादी पक्ष की ओर से, ये बड़ी जानकारी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, सर्वे टीम से बाहर किए गए हैं राम प्रसाद, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। गोपनीयता भंग करने के आरोप में इन्हें बाहर किया गया है, राम प्रसाद को सर्वे टीम से बाहर किया गया है। गोपनीयता भंग करने के आरोप में ये बड़ा कदम उठाया गया है। राम सिंह को हटाने की मांग को लेकर सर्वे बाधित रहा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। जहां सर्वे की टीम से राम प्रसाद को बाहर करने की खबर आ रही है, वजह गोपनीयता भंग करने के आरोप में, और इसी वाद में लंबे वक्त तक सर्वे बाधित रहा, सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर्वे की टीम से किसी को बाहर करने की खबर आ रही है और इस वजह से सर्वे बाधित रहा, क्या है ये पूरी खबर नीतीश? लता, मैं थोड़ी देर पहले इस खबर को ब्रेक करा चुका था कि जो सर्वे टीम में शामिल एक व्यक्ति को बाहर करने की मांग को लेकर सर्वे बाधित हुआ था। हालांकि कुछ देर बाद वो सर्वे शुरू हुआ, लेकिन जो मांग थी, जो एतराज़ था, वो यही था कि राम प्रसाद सिंह को सर्वे की टीम से बाहर किया जाए। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि राम प्रसाद सिंह को बाहर कर दिया गया है, और जो उन पर आरोप लगे थे वो ये थे कि कल जब वो सर्वे करके बाहर निकले हैं तो उन्होंने बयान दिए हैं कि बहुत कुछ हमारे पक्ष में था, लोगों को उनके इसी बयान से एतराज था, उनका ये कहना था। तब तक विशेष उधर की तस्वीरें भी दिखाइए, उनको जो सर्वे की टीम में शामिल लोग वादी पक्ष के लोग थे और इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष के लोग भी थे, वो ये कह रहे थे कि जो गोपनीयता है, जो सर्वे की गोपनीयता है, वो कहीं ना कहीं बाहर भंग हो रही है इस तरह की बयानबाजी से। तो ऐसा अगर इन्हें बाहर किया जाता है तो जो लोग गोपनीयता भंग कर रहे हैं उन्हें सबक भी मिलेगा, और ऐसी स्थिति में इनका भीतर जाना ठीक नहीं है। ऐसी अब आपको अपडेट बता दूं, रामप्रसाद सिंह को बाहर कर दिया गया है, सूत्र ये बताते हैं। स्नेहलता, लेकिन इसका सर्वे बाधित होने को लेकर भी जो खबर आ रही है, चलिए इस पर और भी डिटेल लेने की कोशिश करते हैं, क्या है भीतर की साइड अपडेट। वीरेश और मोइन का रुख करते हैं। वीरेश, अगर देखा जाए कोई भीतर है और उसे बाहर करने को लेकर के मंथन चल रहा है, इस वजह से सर्वे बाधित हुआ? देखिए, आपने सही सवाल किया कि जो सर्वे की टीम थे उनके एक सदस्य को बाहर किया गया है, गोपनीयता भंग करने का आरोप उनके ऊपर है, ये निश्चित रूप से ये भी एक चीज़ें हैं। और जो वाद और विवाद चल रहा है दोनों पक्षों में नीचे वाले कमरे को लेकर, ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है ये बाधित होने का सर्वे। देखिए, अब सारा डिस्प्यूट जो था वो खत्म हो गया है, सर्वे सतही तौर पर, मोटे तौर पर खत्म हो चुका है। अब विवाद सिर्फ उसी बात को लेकर है। अपने दर्शकों को एक बार विस्तार से समझा दें कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस बात पर विवाद है। दरअसल जो मस्जिद है, मस्जिद के सिर्फ पीछे के हिस्से की तरफ, जिसे पश्चिमी दीवार कहा जाता है, सिर्फ एक तरफ दीवार है, तीन तरफ से लोहे से बैरिकेड किया गया है। उस दीवार के पीछे एक खंडहर नुमा इमारत है, ऐसा लगता है कि पहले कोई बिल्डिंग रही होगी जो कि धरजर और धाराशायी हो गई है। कई टन मलबा उसका है, कई टन अवशेष वहां पर हैं। दावा यह किया जाता है कि उसी मलबे के नीचे व्यास जी का कमरा था, और उस कमरे में जो है कई अहम तथ्य मिल सकते हैं, इसलिए वहां पर सर्वे होना जरूरी है। लेकिन अगर वहां का सर्वे होगा, उससे पहले मलबे को हटाना होगा। मलबे को हटाना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में मलबा है, कई ट्रक माना जा सकता है कि मलबा है, तो उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि मैनुअल। भाई, अब फिर बुलडोजर की बात आप कर देते हो। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, देखिए कल एबीपी गंगा नहीं, सबसे बुलडोजर की बात करता हूँ मैं तो भाई, एबीपी गंगा नहीं, कल सबसे पहले जानकारी ये दी कि वहां पर जो है क्या कहते हैं पेंटिंग को लेकर विवाद हुआ, वो विवाद काफी बढ़ा। हम ही ने सबसे पहले कल हमने आपने मिलकर के ये जानकारी दी कि तालाब में मछलियां होने की वजह से आपसे हटकर के नीतीश के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी आ रही है। नीतीश, बताएं। लता, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, और अभी कुछ ही पलों पहले यहाँ पर जो वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन है वो अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं, और यहाँ पर हलचल फिर से बढ़ने लगी है। अब देखिए, जो ये सुरक्षा के जवान हैं वो इधर से आते हो, और ये संकेत जिस तरह से दो दिन से लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, ये संकेत होते हैं जब जो वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन और इनके साथ ही जो अधिवक्ता है वो बाहर निकलते हैं, तो ये संकेत होते हैं कि सर्वे का काम जब पूरा हो जाता है तो ये लोग बाहर निकलते हैं। तो विष्णु जैन अपनी गाड़ी से यहाँ से आगे निकल
निकल चुके हैं और अब उनकी गाड़ी आगे जा चुकी है। तो सर्वे का काम खत्म होने की खबर है, आज सर्वे का काम पूरा होने की खबर है। स्नेहलता, बिल्कुल, जैसा कि आज शुरुआत में ही मोइन और वीरेश ने ये जानकारी दी थी, तस्दीक की थी कि आज सर्वे का काम जल्दी खत्म किया जा सकता है। और देखिए, उसी खबर पर मुहर लगती भी दिखाई दे रही है, सर्वे का काम खत्म होने की कगार है। और देखिए, वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन के गेट से बाहर निकलने के बाद ये बड़ी खबर आ रही है। सीधा रुक करते हैं नीतीश का। नीतीश, और कोई हलचल, किसी और के भी बाहर आने की तस्वीर या खबर? चलता तस्वीरें ही हम दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। जो पुलिस के जवान मुस्तैद थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। और जो इधर के, जो कहा जाए एसआई लेवल के, और इसके साथ ही जो अन्य जो पुलिस वाले हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। और एक बार फिर से कुछ हलचल वहाँ कोने पर, हम कुछ हलचल दिखाना चाहेंगे आपको, जरा सा जूम इन करें विशेष, वहाँ पर जो कोने पर कुछ हलचल है, यानी आप हलचल पर नजर बनाए रखिएगा, सीधा आपका रुख करेंगे जैसे ही कोई और शख्स बाहर आता है जो सर्वे टीम का बड़ा मेंबर है। इस बीच रुख कर लेते हैं नीतीश और मोइन का, इन लोगों के पास भी भीतर की पूरी जानकारी आती रह रही है, क्या कुछ पता चल रहा है? नीतीश मोइन, वीरेश मोइन, माफ कीजिएगा। देखिए, जो हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने कहा है कि सर्वे का काम खत्म हो गया है, तो सर्वे का काम ठीक, जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे मोइन, कि टेक्निकल बाधाएं थी, इस वजह से ये सर्वे का काम समाप्त जल्द हो जाएगा, तो समाप्त हो गया है। और अब वही नोटिंग का काम, बाकी लोगों को समझाने बुझाने का काम, लोगों को ये बताने का काम कि 17 तारीख को हम जब सौंपेंगे तो उसमें एकमत रहना है, चीज़ों को स्पष्ट रखना है, इन सब काम को किया जा रहा है। और जो वीडियोग्राफी हुई है, जो फोटोग्राफी हुई है, उसकी चिप जो है अजय मिश्रा, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उनको सौंप दी गई है और सर्वे का काम खत्म हो चुका है। देखिए वीरेश जी, अभी आप एक जानकारी दे रहे थे कि अंदर से कई गोपनीय सूचनाएं लीक करने के आरोप में एक शख्स को, सर्वे टीम के एक मेंबर को बाहर कर दिया गया। उसी से जुड़ी एक जानकारी मेरे पास भी है कि एक वरिष्ठ सदस्य जो थोड़ा बीमार चल रहे थे, बुजुर्ग से हैं, वो धूप की वजह से, बेहाल कर देने वाली गर्मी की वजह से गश खाकर गिर पड़े, उनकी तबीयत खराब हो गई है। और अब उनको गिर पड़े, जी जी बिल्कुल, वहाँ चक्कर खा करके बैठ गए, जो इसी वजह से दो दिन से एम्बुलेंस भी लगा कर रखा गया था, डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ, उनको मस्जिद से वापस उनके घर भेज दिया गया है। जब वो ठीक सामान्य हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई हालत नहीं है कि मुझे अस्पताल जाने की नौबत आए, लेकिन मुझे मेरे घर वापस भेज दिया जाए। तो उनको घर भेजे जाने के आदेश दिए गए हैं, प्रशासन की गाड़ी से जो है उनको वापस घर भेजा जा रहा है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है और बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी है। हमारे आपके कपड़ों को, चेहरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बुजुर्ग शख्स थे, थोड़ा सा गश खा गए, चक्कर आ गए उनको, और उनको वापस घर भेजे के दरमियान ही बेहोश हो गए। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जब सर्वे अंतिम चरण में चल रहा था तालाब के पास, वहीं पर वो गश खा करके गिर पड़े थे, जो वो बैठ गए थे, अपना सिर पकड़ करके बैठ गए थे। लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे तेज चक्कर आ रहा है। तो समझा जा सकता है कि गर्मी इतनी ज्यादा है, उमस इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो गश खा करके गिर पड़े और उनको वापस घर भेज। स्थिति कैसी है, सामान्य है? हाँ, स्थिति सामान्य है। उन्होंने ये अनुरोध किया कि मुझे वापस घर भेजवा दिया जाए, तो एम्बुलेंस में लेकर ले जाएगा। अभी एम्बुलेंस की जो आवाज आ रही थी कुछ देर पहले, और मैंने आपसे सवाल किया था कि एम्बुलेंस की आवाज आज क्यों आ रही है, एम्बुलेंस, दो एम्बुलेंस लगातार कल के सर्वे में भी, परसों के सर्वे में भी वहां सामने जो गेट नंबर 4 है वहां लगा कर रखी गई है, लेकिन एम्बुलेंस जब गई, मैंने मोइन से पूछा कि वो एम्बुलेंस में क्या हो सकता है, तो आज अभी खबर आई है मोइन के पास कि एक जो आप लोगों उसमें की बारीक निगाहों से कोई भी हलचल नहीं छूटेगी। और वीरेश और मोइन ने लगातार धुआंधार तरीके से, जिस तरीके से भीतर से बाहर तक की तस्वीरें या इंफॉर्मेशन या जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है, इसी तरीके से हम आप तक हर एक बड़ी खबर पहुंचाते रहेंगे। इस महा कवरेज में आप जुड़े रहिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का तीसरा दिन और बड़ी खबर के लिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी दीपा का।
बिल्कुल इसमें आप बड़ी जानकारी ये है कि ज्ञान वापी परिसर में तीसरे दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन परिसर से बाहर निकले, ये बड़ी जानकारी देखें। तीसरे दिन का सर्वे कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, ये जानकारी है। विष्णु जैन बाहर निकल चुके हैं और वीडियोग्राफी की ट्रिप कोर्ट कमिश्नर को सौंपी गई है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिये 8:15 बजे से सर्वे की शुरुआत हुई और उसके बाद देखिए ये कहा जा रहा है कि तीसरे दिन का जो सर्वे कंप्लीट हो चुका है। वादी पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, जो मस्जिद के भीतर से बाहर निकल चुके हैं और सर्वे की पूरी टीम अब धीरे धीरे बाहर निकलेगी मस्जिद से और लगातार नजर हमारी बनी हुई है। बिल्कुल वीडियोग्राफी की चिप और जो तमाम प्रक्रिया होती है, हस्ताक्षर होते हैं दोनों पक्ष के, वो लिखा पढ़ी भी शुरू हो चुकी है क्योंकि सर्वे के खत्म होने की बड़ी खबर आ रही है। और इस महा कवरेज पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए बीपी गंगा के साथ। खास खबर